हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए के बारे में, जो दो वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर एंड सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिनके दोनों के एग्जाम के डेट आ चुकी हैं। तो आपके एग्जाम कब है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है एनटीए की तरफ से, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है, आज का ही नोटिस है 4 जुलाई का, लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ स्टेज फर्स्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर इन द एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड फंड। ठीक है, तो जो ईपीएफओ में स्टेनोग्राफर और एसएससी की वैकेंसी है दोनों के लिए अपने पास, जो कि 27 मार्च को एडवर्टाइजमेंट आया था जिसका, उसके एग्जाम की डेट आ चुकी है। स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2023 को एग्जाम होने वाला है आपका। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर बात करें भाई, तो 18, 21, 22 और 23 अगस्त को ये अपने पास एग्जामिनेशन है। ठीक है, दोनों एग्जामिनेशन जो है ना वो दो शिफ्ट में होंगे, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, दो शिफ्ट में अपने पास होने वाले हैं। सिटी कहाँ पे आपका होने वाला है एग्जामिनेशन ना, ये आपको 22 तारीख से 22 जुलाई से आपको मिल जाएगा, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड कर पाओगे वो 2 से 3 दिन पहले, एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाओगे एडमिट कार्ड अपना, जैसा आप एसएससी में करते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली मेंशन कि द सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त अपने पास अवेलेबल हो जाएगी 2023 का। द एडमिट कार्ड शैल बी रिलीज जो होगा वो 2 से 3 डेज बिफोर एग्जाम के, 2 से 3 दिन पहले एग्जाम के आ जाएगा। ठीक है भाई, ये अपने पास लिखा हुआ है। और ये अपने पास, एक तो अपने पास ये जो पहला वाला है ये स्टेनोग्राफर का, और ये एसएससी का है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो एसएससी जो है वो 18, 21 और 22 और 23 अगस्त को होने वाला है। तो एसएससी का जो अपने पास एडमिट कार्ड है ना वो अपने पास अगस्त के सेकेंड वीक में जारी होगा, और जो अपने पास स्टेनोग्राफर का है वो 22 जुलाई से जारी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं इनके सिलेबस के बारे में, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो अगर बात करें हम यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस की भाई, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो पहले हम स्टेनोग्राफर का देख लेते हैं। तो देखो स्टेनोग्राफर में फेज फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका जो होगा, इसमें क्या है ना, फेज फर्स्ट है, फेज सेकेंड है। तो फेज फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भाई जनरल एप्टीट्यूड है 50, फिर जनरल अवेयरनेस है 50, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन है। इंग्लिश अच्छे लेवल का है कि भाई 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 400 नंबर के, टोटल 800 नंबर का पेपर है, 2 घंटे 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये अपने पास टोटल सिलेबस है, जनरल एप्टीट्यूड, अपने पास जनरल अवेयरनेस, और अपने पास क्या है इंग्लिश लैंग्वेज, ये अपने पास भाई 200 क्वेश्चन हो गए 800 नंबर के। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो सभी क्वेश्चन तो सर 4 नंबर के हैं, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 मार्क्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, और जो पेपर होगा ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, और ये जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। ठीक है भाई, इसके साथ ही 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी। इसका मतलब है कि अगर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 4 नंबर का है तो वो 1 नंबर कटेगा और कटेगा। ठीक है, फेज सेकेंड की अगर एग्जाम की बात करें स्टेनोग्राफर की, तो भाई स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी का होने वाला है आपका, जिसमें क्या होगा ना कि आपकी 10 मिनट में रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन चाहिए। ठीक है, कि 10 मिनट आपको डिक्टेशन देना है और 80 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, और वो भी होना चाहिए भाई कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे डिक्टेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट्स इंग्लिश का, अगर आप इंग्लिश में करते हो तो 50 मिनट आपको करना है, और अगर हिंदी में तो 65 मिनट ये अपने को मिलेगा, लेकिन ये भी होगा कंप्यूटर में। ये जो फेज सेकेंड है ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है और इसमें कुछ नहीं है। अगर आपका फेज फर्स्ट क्लियर है तो कट ऑफ उसी के हिसाब से बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना, वो क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज सेकेंड विल बी डिसाइडेड एज पर डिस्क्रिप्शन और ईपीएफओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि अराइविंग स्कोर अगर कोई टाई हो जाता है तो क्या होगा, तो ये सारी अलग बातें हैं। हम लोग आ जाते हैं अब एसएससी के बारे में, यहाँ पे देख लेते हैं कि फेज फर्स्ट एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितना यहाँ पे नंबर के क्वेश्चन है। तो भाई अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करो आप, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अब आपको पता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 120 हो गया। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 120 का। क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथ हो गया 30 क्वेश्चन 120 का। जनरल इंग्लिश कम्प्रेंशन हो गया 50 क्वेश्चन 200 का। कंप्यूटर हो गया 10 और 40 का। टोटल 150 क्वेश्चन 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। यहाँ भी हर क्वेश्चन जो होगा ना वो 4 नंबर का रहने वाला है, और 4 नंबर का रहने वाला है। फेज फर्स्ट जो कंसिडर किया जाएगा ना, ये इसी के हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगी।
तो फेज फर्स्ट में आपको अच्छा और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं बढ़िया बात बन पाएगी। ठीक है भाई, यहाँ भी वैसी है। देखो लिखा हुआ है ना, तो 1/10 जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट की, टोटल जितनी भी वैकेंसी है ना, 1/10, 10 टाइम्स वैकेंसी के आप कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फेज फर्स्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। सेकेंड फेज जो होगा, एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट, जिसमें आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो ये अपने पास है फेज सेकेंड में कंप्यूटर स्किल टेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे की डिप्रेशन भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो। या आप इतना याद रखो सर, 35 वर्ड पर मिनट जैसे SSC CHSL में होता है ना, वो ऐसा ही अपने पास होने वाला है। अब यहाँ पे वही सेम सेम टू सेम यहाँ भी चीजें हैं कि ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, मार्क ऑब्टेंड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर मेरिट रैंकिंग। ठीक है, तो मेरिट में जो है ना, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे और नहीं जुड़ेंगे, फेस फर्स्ट के ही नंबर जोड़े जाएंगे और फेस फर्स्ट के नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर होगी, एग्जाम डेट और सिलेबस सारा चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बढ़िया से और बढ़िया अपडेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।